भारतीय जनता पार्टी ने सोमवार को संगठन पर्व सदस्यता अभियान 2024 लॉन्च किया। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पार्टी की पहली सदस्यता ग्रहण की। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने प्रधानमंत्री को सदस्यता दिलाई। इसके बाद गृह मंत्री अमित शाह समेत भाजपा के बड़े नेताओं ने पार्टी की सदस्यता ली। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में कहा कि ये दल ऐसे ही यहाँ तक नहीं पहुँचा, इसमें अनेक पीढ़ियां खप गई। प्रधानमंत्री ने कहा कि हम देश के हित में दल का विस्तार करना चाहते हैं और जनता के दिलों में कमल खिलाना चाहते हैं। पीएम ने आगे कहा कि सदस्यता अभियान में मैं उन सभी लोगों को जोड़ूंगा जो मेरी पार्टी के महत्वपूर्ण निर्णय में साथ थे। मेरे सामने जो अभी 18 से 25 साल की उम्र का जवान है, वह मेरे 2047 के सपने को पूरा करने के लिए शक्ति का सबसे बड़ा स्रोत है। इसलिए विकसित भारत के लक्ष्य को पूरा करने के लिए युवाओं को जोड़ना है। सदस्यता अभियान की शुरुआत माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को भारतीय जनता पार्टी के सम्मानित राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी ने सदस्य बनाकर आज सदस्यता अभियान का प्रारंभ किया है। माननीय प्रधानमंत्री जी को बहुत बधाई, बहुत शुभकामनाएं, हार्दिक अभिनंदन। और आज हम सब लोग भी माननीय मुख्यमंत्री जी और भारतीय जनता पार्टी के पूरे नेतृत्व ने मध्य प्रदेश के अंदर भोपाल में आज उस अभियान में सहभागी बन करके हम सब ने भी भूमिका निभाई है। पुनः प्रधानमंत्री जी को, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को बहुत बहुत बधाई, बहुत शुभकामनाएं। भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय स्तर पर संगठन पर्व मनाते हुए जिस प्रकार से हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमान जेपी नड्डा जी ने हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी को सदस्यता दिलाई है, यह 10 करोड़ सदस्य बनाने का अभियान का एक तरह से श्री गणेश है। इसके बाद हमारे गृह मंत्री श्रीमान अमित शाह जी, जेपी नड्डा जी स्वयं से उन्होंने कहा कि हम देश के हित में दल का विस्तार करना चाहते हैं और देश के दिल में भाजपा का कमल खिलाना चाहते हैं। मैं अपने इस पूरे आयोजन के लिए यशस्वी अध्यक्ष श्रीमान विष्णुदत्त शर्मा जी, हमारे प्रभारी डॉक्टर महेंद्र सिंह जी, हमारे सभी कार्यकर्ताओं को, पदाधिकारियों को, सांसद विधायक मंत्रियों को बधाई देना चाहता हूं। और जैसा कि की गई घोषणा के आज के बाद से कल से लगातार संगठन पर्व की सदस्यता प्रारंभ होगी, कल हम सब मिलेंगे एक बार फिर पूरा आयोजन के लिए, मेरी अपनी बधाई। रविंद्रनाथ टैगोर यूनिवर्सिटी भोपाल NIRF रैंक्ड फॉर 5 कंसेक्यूटिव ईयर्स। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।